सारे पुलिस डिपार्टमेंट के आखना चाहते हैं कि साड़ी ऑलरेडी जी परमिशन प्रॉपर जी को ले दी है सलाथिया चौक तक जाने की उत्थे तक असें बड़ा पीसफुली जाना है कोई पर कोई मसला नहीं है लेकिन उत्थे जाने को रोकया लोग किश अपनी मर्जी करेंगे भी मेरी जिम्मेदारी नहीं है उत्थे जाने को रोकियो तो सिग्नेचर उधर भी कर लेने बड़े आराम से बड़े प्यार करने बल्ले बल्ले दीदी जी एक बार दे सारे सारे पीसफुली आराम करने हैं और उठे डीसी ऑफिसर है सारे लोग निकाल उठे पैसा ट्रांसफर कर जाना सलाखिया चौकता का सारे मेमोरेंडम दे करने चल गया और बाद आ सर उठे आप पांच लोग गए ना डीसी ऑफिसर चल गया तो बड़े आराम करने के पीसफुली प्यार करने जरा अपना जो है ये देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से कोरोना के नाम से हमारे लोगों को दबाया और कुचला जा रहा है, कोरोना के नाम से यहाँ लूट खसूट मची है और कोरोना के नाम से तारबंदी की जा रही है, जबरदस्ती टेस्ट किए जा रहे हैं, लोगों को गाड़ियों का जुर्माना किया जा रहा है, दुकानदारों को जुर्माना किया जा रहा है, आम नागरिक को मास्क के नाम से जुर्माना किया जा रहा है। कहीं हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है, सिर्फ हमारे इलाके में क्यों है? लोग इस कोरोना से उभरने के लिए दिहाड़ी लगाते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं, लेकिन उनको किसी न किसी तरीके से तंग किया जा रहा है, जिसका आक्रोश जो है लोगों के अंदर है और ये आक्रोश हम केंद्र सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर अनलॉक 5 की गाइडलाइन जो है पूरे देश भर में लागू की, हमारे ऊपर दूसरी गाइडलाइन लागू क्यों है? हमारे घर के बाहर तारबंदी क्यों है? हमारे लोगों को जबरदस्ती, जब आपने कहा कि जो जो टेस्ट मैंडेटरी नहीं होगा तो फिर टेस्ट क्यों है? इसी तरीके से हमारे लोगों को क्यों अलग अलग जुर्माने करके तंग किया जा रहा है? इसलिए मैं कहना चाहूंगा ये आक्रोश लोगों का है और ये आक्रोश सिग्नेचर करके हम प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे लोगों को तंग मत कीजिए, लोग अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, इनको परेशान मत कीजिए और इनको अगर परेशान करेंगे तो गुस्सा और ज्यादा फूटेगा।